हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल SMK गार्डन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कोलियस के पौधों की केयर कैसे करें और उनको ज़्यादा लंबा घना करने के लिए क्या करें और आप अपने कोलियस के पौधों की कटिंग कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ही आसान होता है कोलियस के पौधे की कटिंग लगाना। मैं आपको इस वीडियो में उसकी कटिंग भी लगा कर दिखाऊँगी और कटिंग की अपडेट भी दिखाऊँगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें कौन सा खाद डालें। तो यहाँ देखिए, मैंने NPK खाद लिया हुआ है और मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमें अपने पौधे में ये कितना डालना है। तो ये देखिए, ये थोड़ा हल्का रेड कलर का होता है और हमें इसके सिर्फ 10 या 12 दाने ही अपने पौधे में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ इसमें मैंने एक कटिंग लगाई थी, लेकिन दोस्तों इसमें मैंने कुछ मेथी के दाने डाले थे और वो दाने चारों तरफ इसमें निकल आए हैं। तो अभी मैं इसमें ये खाद नहीं डालूँगी, मैं आपको अपने दूसरे पौधे में ये खाद डालकर दिखाऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथी के पौधे निकले हुए हैं। तो ये देखिए, एक छोटा पौधा मैंने कोलियस का कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद अपने पौधे में ये खाद डालें। तो यहाँ देखिए, मैंने 10-15 दाने लिए हैं और दोस्तों, हमें ये खाद इसकी रूट्स के पास नहीं डालना है, बल्कि एक साइड में ही डालना है। तो इस तरह से हल्की गुड़ाई करके इसमें एक साइड में ये दाने डाल देने हैं और उसको मिट्टी से दबा देना है और दबाने के बाद उसमें पानी डाल देना है। तो यहाँ देखिए, मैं अपने दूसरे पौधे में भी इसी तरह ये खाद डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने इसको मिट्टी से दबा दिया है। तो दोस्तों, ये खाद आप अपने पौधों में 10 या 15 दिन में डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब हमारे पौधे में ऊपर ये फूल जैसा निकलता है तो उसको हमें हटा देना है। तो ये देखिए, मैंने भी अपने पौधे में से ये निकाल दिया है, क्योंकि अगर ये पौधे के ऊपर निकलेगा तो पौधा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। यहाँ देखिए, मैंने इस पौधे की भी सभी ऊपर के ये फूल निकाल रखे हैं और इसी पौधे में भी मैंने दोस्तों यही खाद डाला था और उसी से देखिए पौधा काफ़ी हरा भरा हो गया है। और इसी में भी मैं इसी तरह खाद डाल दूंगी अब भी। तो दोस्तों, हर 10 या 15 दिन में मैं अपने पौधों में यही खाद डालती हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं और जल जाते हैं। तो दोस्तों, हम अपने पौधों को अगर हर टाइम धूप में रखेंगे तो पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो सुबह की धूप निकलती है, हमें अपने कोलियस के पौधों के लिए सुबह की धूप ही काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कोलियस के पौधों की कटिंग कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और ये कटिंग काफ़ी अच्छी चल गई है। देखिए, इसमें कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग लगाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं अपने पौधे से एक छोटी सी कटिंग निकाल लूँगी। यहाँ देखिए, मैंने एक बिल्कुल ही छोटी कटिंग तोड़ ली है और अब हम इसको कोकोपीट में लगा देंगे। तो ये देखिए, या मैंने कोकोपीट लिया हुआ है और इसी गिलास में मैं ये कटिंग लगा दूंगी। तो दोस्तों, इसी तरह कटिंग से हमारा पौधा तैयार हो जाता है और अब इसको छाया में ही रखेंगे, ज़्यादा धूप में हम इसको नहीं रखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।